स्वागत आप सभी का मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर TGT, PGT, LT, GIC, KVS, DSSB और नीट से संबंधित जो हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम इसमें पढ़ते हैं स्टडी मटेरियल, इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए, किन किताबों से आपको तैयारी करनी चाहिए, और इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं, और इन्हीं के लिए प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज MCQ भी इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना लाभ उठाइए। चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, यूपी के हैं, या उत्तराखंड के हैं, या बिहार के हैं, या फिर अन्य भी किसी राज्य के हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी का अध्ययन कराया जाता है। इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल पर प्रदान करी जाती हैं, ठीक है। इनके अलावा चाहे आप प्रयोगशाला सहायक के लिए पढ़ते हैं या कोई भी अन्य अपने राज्य का एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी आती है, तो उसका भी अध्ययन इस चैनल पर कराया जाता है। इसलिए आप चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3 जनरल इंट्रोडक्शन का, कुमारन मलिक की बुक से। शुरू के 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, ए पेपर वॉज पब्लिश्ड इन ए जर्नल ऑफ फ्लोरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेरठ। डिस्ट्रिक्ट मेरठ है, वहाँ का जो एक जनरल है उसमें फ्लोरा के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। फ्लोरा का मतलब होता है, मतलब एक इलाके में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं ना, उनका डिस्क्रिप्शन होता है फ्लोरा के अंदर। इन विच ब्रांच ऑफ बॉटनी शुड दिस पेपर बी प्लेस्ड, इस पेपर को हम किस बॉटनी के ब्रांच में रखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा टैक्सोनॉमी में, ये हमारा टैक्सोनॉमी से संबंधित होता है, ठीक है। क्योंकि फ्लोरा के अंदर क्या होता है, एक इलाके में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनका क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच इज इन्वॉल्व विद आइसोलेशन एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स इन विट्रो। कहने का मतलब है आइसोलेशन और फ्यूजन ऑफ सेल्स का इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर अगर हम दो सेल्स को निकालें अलग अलग व्यक्ति में से और उसका हम फ्यूज कराएं, तो ये हम किसके अंदर करते हैं या ऐसा बॉटनी के किस शाखा में किया जाता है, तो ये हम करते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर, ठीक है। दो टिश्यू निकाले, उनको फ्यूज कराया और एक नया सेल बनाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में होता है, वन ए के ऊपर ये छोटा सा गोला जिसको बोलते हैं नॉट, तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये हमारा इक्वल होता है 0.001 न्यू मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, जो ये न्यू मीटर है इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, एक मिली माइक्रोन कितने के बराबर होता है, तो वो होता है 10^-6 mm, ठीक है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है एंगस्ट्रॉम मीटर में कितना होता है, मतलब वन एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, या फिर एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो वो होते हैं 10^-10 मीटर होते हैं, इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर पाए जाते हैं, 10^-10 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नैनोमीटर हैज अनदर नेम, नैनोमीटर का दूसरा नाम क्या होता है, तो वो होता है हमारा मिली माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर जो है वो कितने के बराबर होता है, तो एक नैनोमीटर की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 10^-9 मीटर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, नेम द मैनेजमेंट सिस्टम विच डील्स विद इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एस्टैब्लिशमेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टिम्बर ट्रीज। तो आपको एक शब्द याद रखना है, टिम्बर ट्रीज। टिम्बर ट्रीज का मतलब होता है इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी का मतलब होता है जिन लकड़ियों का प्रयोग हम अपने मकान बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक इसमें एग्जाम्पल है देवदार का पेड़, देवदार के पेड़ों से घर बनाए जाते हैं, ठीक है, या घर में इस्तेमाल की जाती है उसकी लकड़ी घर बनाने में,
तो ये हम पढ़ते हैं अपने सिल्वी कल्चर में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं वन वर्धन, हिंदी में बोलते हैं वन वर्धन, ठीक है। और जब हम फॉरेस्ट और उसकी लकड़ी की स्टडी करते हैं तो वो हम करते हैं सिल्वोलॉजी में, एस आई एल वी ओ एल ओ जी वाई, ठीक है। सिल्वोलॉजी मतलब फॉरेस्ट और उसकी लकड़ी, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड इज कॉल्ड सिल्वोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है बॉटनी की वो ब्रांच बताओ जिसमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच, ठीक है। मतलब एक दूसरे पर जो प्रभाव होता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच, ये हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो उनका एक दूसरे पर प्रभाव होता है उसको हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इकोलॉजी में, ठीक है। इकोलॉजी में इंटरेक्शन पढ़ते हैं एक ऑर्गेनिज्म का और उसके आसपास के वातावरण, कहीं कहीं पर एनवायरनमेंट की जगह लिखा होता है सराउंडिंग, ठीक है। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जो केंद्रक होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी, ठीक है। न्यूरोलॉजी में हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। माइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं फंगस के बारे में। हर्पेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं रेप्टाइल और एम्फीबियंस के बारे में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है वो बताओ जिसमें हम स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस करते हैं, मतलब इनहेरिटेंस की स्टडी हम किस में करते हैं। इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, अर्थात अनुवांशिकी में। साइटोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं। इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कैसे कोई चीज़ कैसे इवॉल्व हुई है समय के साथ। और एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल की संरचना का हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल की संरचना या उसके रूप के बारे में, वो हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अगर हम ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें तो हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं बायो जियोग्राफी में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मान लो कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी स्टडी करी हमने स्टैटिस्टिकल मेथड की मदद से, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं बायोमेट्री, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमेट्रिक्स, बी आई ओ एम ई टी आर आई सी एस, बायोमेट्रिक्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग, पेड़ को अगर हम काटेंगे पेड़ की स्टेम में तो हमें उसमें ऐसे कुछ रिंग्स देखने को मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। अब इन रिंग्स की जितनी संख्या होगी, मान लो एक दो तीन यहाँ पर रिंग है, तो इस पेड़ की कितनी आयु मानी जाएगी, 3 वर्ष की। हम बोलेंगे ये पेड़ को 3 वर्ष हो गए, ये पेड़ 3 वर्ष पुराना है, अर्थात इस काउंट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं या कहाँ पर पढ़ते हैं या किस ब्रांच में हम इसको पढ़ते हैं या इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। काउंट करना है, जितनी ये रिंग्स हैं उतना ही ये उतने ही साल पुराना ये पेड़ है, ठीक है। तो हम इसको हम पढ़ते हैं किस में, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जबकि हम डेंड्रोलॉजी की बात करें तो डेंड्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं झाड़ियों और वृक्ष के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं सीरोलॉजी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। क्रायोबायोलॉजी का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ जर्म प्लाज एट लो टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। क्रायोबायोलॉजी का मतलब ये होता है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादातर जर्म प्लाज को
जर्म प्लाज्म को बचा के रखते हैं ताकि हम उस पर रिसर्च कर सकें या फ्यूचर में उसका रिप्रोडक्शन करा सकें। इसमें लिविंग जेनेटिक रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सीड और हमारा टिश्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं जीवित अनुवांशिक संसाधन, ठीक है, जिसमें हम आते हैं बीज और उत्तक। अगला ऑप्शन था हमारा हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं एम्फीबियन और रेप्टाइल की स्टडी करते हैं। अगला प्रश्न है, वो ब्रांच बताओ जिसमें हम करते हैं एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी। एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक स्टडी, मान लो कोई भ्रूण है, भ्रूण में क्या हो गया, उसकी कुछ सेल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको स्टडी करते हैं उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। भ्रूणावस्था में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है भ्रूण के अंदर तो उसका अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है टेरेटोलॉजी के अंदर। टेरेटोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अगर कुछ एबनॉर्मल होता है तो उस कंडीशन का टेरेटोलॉजी में स्टडी करते हैं। जेरेंटोलॉजी होता है जिसमें हम ओल्ड एज मतलब वृद्धावस्था की जब हम स्टडी करते हैं तो वो करते हैं जेरेंटोलॉजी में, ठीक है, या उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी, जैसे स्टडी ऑफ एजिंग एंड ओल्डर एडल्ट्स, इसको हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं। यही थे इसके ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइंस ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट, मतलब एक प्लांट है उसको नाम देने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है, नामांकन करना। अगला क्वेश्चन है, एक इंस्टीट्यूट है FRI मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो हमारा कहाँ पर है, वो है देहरादून में। देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, UK में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांच बताओ जिसमें हम स्टडी करते हैं श्रब एंड ट्री मतलब झाड़ियों की और वृक्षों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, तो वो हम करते हैं डेंड्रोलॉजी में, ठीक है। पोमोलॉजी में हम करते हैं फ्रूट के बारे में, मतलब फ्रूट FRUIT फ्रूट की स्टडी करते हैं। एंथोलॉजी में हम करते हैं फूल की स्टडी, फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। पैलिनोलॉजी में हम करते हैं पॉलन ग्रेन की स्टडी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है स्टडी ऑफ पीरियोडिक फिनोमेना इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो पीरियोडिक फिनोमेना होता है उसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एंथोलॉजी या फिनोलॉजी, तो इसको हम बोलते हैं फिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, रेडिएशन का खतरा लिविंग बींग के ऊपर, या वो बताओ जिसमें हम रेडिएशन के प्रभाव का स्टडी करते हैं जीवित जीवों के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एरोबायोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कैरियोलॉजी या एक्टिनोबायोलॉजी। यह आता है हमारा एक्टिनोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। जो ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी में हम पढ़ते हैं कैंसर सेल की स्टडी या ट्यूमर्स की स्टडी करते हैं ऑन्कोलॉजी के अंदर। कैरियोलॉजी के हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। और जो ये एरोबायोलॉजी है, एरोबायोलॉजी में जो एरो शब्द है ये संबंधित है एयर से, और बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग थिंग, अर्थात एयर में जो भी लिविंग थिंग मौजूद है उनकी स्टडी को हम बोलते हैं एरोबायोलॉजी। जैसे एयर में कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल, मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनिक पार्टिकल मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, या कोई पोलन ग्रेन है, तो इनकी स्टडी को हम बोलते हैं एरोबायोलॉजी, ठीक है। इसमें हम इनकी स्टडी करते हैं, जैसे हमारा कोई बैक्टीरियल स्पोर है या फंगल स्पोर है या कोई स्मॉल इंसेक्ट है, ये कहाँ पाए जाते हैं, एयर में, ठीक है। और ये एयर से ही एक दूसरे में ट्रांसफ़र भी होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में भी, तो ये इन सब का अध्ययन हम करते हैं एरोबायोलॉजी के अंदर। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर साइटोलॉजी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर साइटोलॉजी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हमारे ऑप्शन है माइकोलॉजी, कैरियोलॉजी, रिनोलॉजी या न्यूरोलॉजी, तो हम इसको बोलते हैं कैरियोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी फंगस की स्टडी, न्यूरोलॉजी में मतलब नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और ये सब, और रिनोलॉजी में होता है ENT मतलब ईयर, नोज और टंग की स्टडी करते हैं हम रिनोलॉजी के अंदर, ठीक है, ENT ईयर, नोज और टंग। अगला क्वेश्चन है हमारा
which who is associated with the study of annual recurrence of wheat trust in India. भारत में जो जंग नामक रोग पाया जाता है गेहूं में, इसका एनुअल रिकरेंस मतलब ये साल भर में कैसे कंप्लीट होता है या हर साल भर साल कैसे भारत में आता है, इसके ऊपर किसने स्टडी करी है या इनमें से कौन उससे संबंधित हैं। ठीक है, तो वह है हमारे केसी मेहता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो हमारे आयंगर हैं ये एल्गी से संबंधित हैं और ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजिस्ट। ठीक है, या मॉडर्न एल्गोलॉजी। ई जे बटलर जो हैं ये हमारे फंगस से संबंधित हैं और एम एस स्वामीनाथन है हमारे हरित क्रांति के जनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस जो डील करती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। जो हमारे बायोमोलिक्यूल हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन से संबंध रखने वाली कौन सी ब्रांच है। ठीक है, या फिर हम बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं, तो हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसमें आप सबके बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंजाइम, एंजाइम की थ्योरी, लॉकेन की थ्योरी, ठीक है, हाइपोथेसिस, लॉकेन की हाइपोथेसिस, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल के अंदर। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल की ब्रांच है मतलब जिसमें बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस, बाकी हम आगे भी ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। और ये है हमारा सोशल मीडिया हैंडल, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर। ठीक है, धन्यवाद।